हेलो एवरीवन, वेलकम टू TSN एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस पार्ट 2। हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट दिस चैप्टर विल नाउ गो ऑन टू एक्सप्लोर। ये जो लॉज बनती हैं वे किस तरह से प्रैक्टिसेस में आती हैं और इनकी पहुँच कहाँ तक है, सोशल जस्टिस को लेकर कितना कंसर्न है, इस तरह के कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 ईयर्स अगो। यूनियन कार्बाइड UCN अमेरिकन कंपनी हैड ए फैक्ट्री इन द सिटी इन विच इट प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स। एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड मेक अ हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस UC प्लांट। भोपाल गैस ट्रेजेडी वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट जो इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी भोपाल में 24 ईयर्स पहले हुई थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी की फैक्ट्री यहाँ पर थी जहाँ पेस्टिसाइड्स जो हैं उसे प्रोड्यूस किया जाता था, कीटनाशक को प्रोड्यूस यहाँ पर किया जाता था। ऑन 2 दिसंबर 1984 को मिडनाइट में मिथाइल आइसोसाइनाइड में जो कि हाईली पॉइजनस गैस है प्लांट से लीक होने लगी थी। रिमेंबर अजीज़ा सुल्ताना सर्वाइवर। एट अबाउट 12:30 AM वोक टू द साउंड ऑफ माई बेबी कफिंग बैडली। इन द हाफ नाइट आई सॉ दैट द रूम वॉज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड। आई हियर पीपल शाउटिंग रन रन, देन आई स्टार्टेड कफिंग विद ईच ब्रेथ सीमिंग एज इफ आई वॉज ब्रीथिंग इन फायर। माई आईज वॉज बर्निंग। अजीज़ा सुल्तान जो इस इंसिडेंट की एक सर्वाइवर हैं, वे बताती हैं अबाउट 12:30 AM में अपने बेबी के जो बैडली कफिंग कर रही थी उसके साउंड से, खांसी की काफ़ी तेज जो आवाज़ आ रही थी उसके कारण मैं उठी थी। हाफ नाइट में उन्होंने देखा दैट रूम इज़ वाइट क्लाउड, जो रूम था वह पूरा सफ़ेद क्लाउड जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, इससे भर गया था। और जो उनको पीपल जो थे बाहर बोल रहे थे उसकी शाउटिंग की आवाज़ आ रही थी कि रन रन, ऐसा पीपल जो थे वे शाउट कर रहे थे। उसके बाद उन्हें भी कफिंग खांसी आने लगी और उनके हर ब्रेथ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे एक फायर में ब्रेथ कर रही हैं, आग में सांस ले रही हैं। और वे बताती हैं कि मेरी जो आईज थी वे बर्न हो रही थी, उनकी आंखें जल रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद इन 3 days मोर देन 8,000 पीपल वर डेड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड वर मेम्ड। 3 days में 8,000 पीपल से ज़्यादा की डेथ हो गई थी और लाखों लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए थे। मास क्रिमिशंस। मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू द पॉइजन गैस केम फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास फैमिलीज, ऑन विच नियरली 15,000 पीपल आर टूडे सिक टू वर्क। अमंग दोज हु सर्वाइव्ड मैनी डेवलप्ड सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आई प्रॉब्लम्स एंड अदर डिसऑर्डर्स, चिल्ड्रन डेवलप पिक्यूलियर अबनॉर्मिलिटीज लाइक द गर्ल इन द फोटो। मास क्रिमेशन, जो भी इस पॉइजनस गैस के जो भी लोग इससे शिकार हुए थे वे काफ़ी पुअर थे और वर्किंग क्लास फैमिली के वो लोग थे। उनमें से करीब 15,000 पीपल आज भी सिक हैं, काफ़ी बीमार हैं और कुछ ऐसे हैं जो सरवाइव तो कर रहे हैं पर कुछ वर्क नहीं कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि रेस्पिरेटरी जिनके डिसऑर्डर, जो सांस की उन्हें तकलीफ़ हो गई है, आइज़ की प्रॉब्लम हो गई है और भी कई तरह के डिसऑर्डर्स उन्हें हो गए हैं, कई तरह की बीमारियां हो गई हैं। चिल्ड्रंस में कई अब नॉर्मल जो विकृतियां आती जा रही है। इस पिक में यहाँ पर एक गर्ल को दिखाया है जो कि इस गैस से अफेक्टेड हुई थी। द डिज़ास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। UCS डिलिबरेटली इग्नोर द एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट। मच बिफोर द भोपाल डिज़ास्टर देयर हैड बीन इंसीडेंट
of gas leak killing a worker and injuring several. ये एक डिज़ास्टर, एक एक्सीडेंट नहीं था. यूनियन कार्बाइड में जो पैसों को बचाने के लिए कॉस्ट जो थी उसको कम करने के लिए या फिर कट करने के लिए सेफ्टी मेजर्स जो थे उन जो उन्हें यूज़ नहीं किया गया था, उन्हें इग्नोर किया गया था. भोपाल डिज़ास्टर से पहले ही गैस लीकिंग जैसे जो इंसिडेंट हैं वे काफ़ी हो रहे थे और उसके कारण एक वर्कर की भी डेथ हो चुकी थी और काफ़ी सेवरल को काफ़ी इंजरी हुई थी. मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ यूनियन प्रोटेस्टिंग, जो मेंबर्स थे इसके यूसी के वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. Despite the overwhelming evidence pointing to UCA as responsible for the disaster, if refused to accept responsibility in the ensuing legal battle, the government represented the victims in the civil case against UCA. It filed a $3 billion compensation case in 1985, but accepted a lowly $470 million in 1989. Survivors appealed against the settlement, but the Supreme Court ruled that the settlement amount would stand. Union Carbide के union के जो members हैं वो यहाँ पर इस पिक में दिखाए कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सभी evidence से ये clear था कि इस disaster के लिए Union Carbide जो है ये ही रिस्पॉन्सिबल है, बट कंपनी ने अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. इसके बाद एक लीगल बैटल में गवर्नमेंट ने विक्टम्स की ओर से यूनियन कार्बाइड के अगेंस्ट एक सिविल केस फाइल किया. 1985 में गवर्नमेंट ने $3 billion का कॉम्पनसेशन का मुआवजा मांगा, बट 1989 में $417 crore एक्सेप्ट किया. जो सर्वाइवर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस अपील के अगेंस्ट, उन्होंने जो ये जो सेटलमेंट हुआ था इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया. गैस विक्टिम्स विद द गैस रिलीफ मिनिस्टर, जो गैस से पीड़ित जो लोग थे वे गैस जो रिलीफ मिनिस्टर से यहाँ पर इस पिक में बात करते हुए दिखाए गए हैं. यूसी स्टॉप इट्स ऑपरेशंस बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिस केमिकल्स, दीज हैव सीप्ड इनटू द ग्राउंड कंटेमिनेटिंग वाटर डॉग केमिकल. द कंपनी हु नाउ ओन्स द प्लांट्स रिफ्यूज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीन अप. यूनियन कार्बाइड ने जो ऑपरेशन तो स्टॉप कर दिया था, यहाँ पर जो फैक्ट्री में जो वर्क किया जा रहा था वह तो बंद कर दिया था, बट कई ऐसे जो कई टन टॉक्सिन जो रह गए थे, केमिकल्स जो थे विषैले रसायन, उन लोगों ने वहीं पर छोड़ दिए थे. ये केमिकल जो थे सीप्ड से रिस कर ग्राउंड में जा रहे थे, जिससे वहाँ का जो वाटर है वह पॉल्यूट हो रहा था, वो जो वाटर है वो कंटेमिनेटिंग दूषित हो रहा था. अब ये जो प्लांट था डाओ केमिकल कंपनी के पास है, जो कि इसे क्लीन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है. व्हाट इज़ वर्कर्स वर्थ, वर्कर्स जो हैं उनकी क्या कीमत होती है, उनकी क्या वैल्यू होती है. इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर, वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया. अगर हम भोपाल के डिज़ास्टर के इवेंट्स को समझना चाहते हैं तो हमें यह पूछना होगा कि यूनियन जो कार्बाइड ने अपना जो प्लांट है वह इंडिया में सेटअप क्यों किया था. वन रीज़न वाई फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर, कि एक रीज़न तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती हैं इसका ये है कि यहाँ पर उन्हें जो लेबर है वह काफ़ी चीप का बिल्कुल सस्ता मिल जाता है, जो श्रम है उन्हें काफ़ी सस्ता मिलता है. विच इज दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स से इन USA आर फार हायर देन वॉट दे हैव टू पे टू वर्कर्स इन पुअरर कंट्रीज लाइक इंडिया. कंपनीज जो अपने वर्कर्स को पे करती हैं जैसे कि USA में,
ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि इंडिया जैसी पुअर जो कंट्री में वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका जो वेजेस है वे काफ़ी कम होती है। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर। कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। जो बाहर से जो कंपनी आती हैं फॉरेन कंट्रीज़ का, एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर चीप लेबर है। अगर ऐसी कंपनी यूएसए और जो कोई विकसित अगर कंट्री में वर्क करती है तो इंडिया जैसे पुअर कंट्री के वर्कर से उन्हें वहाँ पर ज़्यादा पे करना होगा। इंडिया में कंपनी लोअर पेपर लॉन्गर आवर्स तक वर्क करवा सकती है, कई घंटों तक वह वर्क करवा सकती है। वर्कर्स के लिए हाउसिंग फैसिलिटी जैसे एडिशनल जो अतिरिक्त जो खर्चे हैं जो एक्सपेंसेस हैं वह भी यहाँ पर बहुत कम हैं। यहाँ ये कंपनीज कॉस्ट को सेव करके हायर प्रॉफिट कमा सकती हैं। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो भी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन। लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज मल फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। बिटवीन 1980 एंड 1984 द वर्क क्रू ऑफ फॉर द मेक प्लांट वॉज कट इन हाफ फ्रॉम 12 टू 6 आवर्स 6 वर्कर्स। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वॉज ब्रॉड डाउन फ्रॉम 6 मंथ टू 15 डेज। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर द मेक प्लांट वॉज एबॉलिश्ड। ये कंपनीज जो होती हैं यहाँ पर जो कंपनीज आती हैं फॉरेन से वे कॉस्ट को सेव करके हायर प्रॉफिट कमाती हैं, कॉस्ट में कटिंग और लागत में कमी करके इससे भी ज़्यादा इसके खतरनाक मीन हो सकते हैं। कटिंग कॉस्ट के लिए सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है और वर्किंग कंडीशंस को कम कर दिया जाता है या बिल्कुल ख़राब कर दिया जाता है। मेक जो प्लांट में जितनी भी सेफ्टी डिवाइसेस थी या तो वे फंक्शन ठीक से नहीं कर रही थी या तो वे ठीक से नहीं चल रही थी और या फिर काफ़ी कम थी। 1980 to 1984 मेक प्लांट के जो वर्क क्रू था, जो वर्कर्स का एक ग्रुप था, उसके जो मेंबर्स थे उन्हें 12 से 6 ही कर दिया गया था। वर्कर्स की जो सेफ्टी ट्रेनिंग के पीरियड को भी कम करके 6 मंथ के बजाय 15 डेज कर दिया गया था। मिक प्लांट के नाइट शिफ्ट के वर्कर्स जो थे उनकी पोस्ट खत्म कर दी गई थी। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अदर प्लांट जो थे उनके लिए जो यूएसए में थे उसके सेफ्टी सिस्टम को जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन यूएस। एट वेस्ट वर्जीनिया यूएसए कंप्यूटराइज वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस, वेरियस द यूसी प्लांट इन भोपाल रेल द मैनुअल गॉजेस एंड द ह्यूमन सेंस टू डिटेक्ट गैस लीकेज। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी इवेक्यूशन प्लान्स वर इन प्लेस बट नन एग्जिस्टेंस इन भोपाल। वेस्ट जो वर्जीनिया में जो कि यूएसए में है वहाँ पर एक कंप्यूटराइज्ड वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम था, चेतावनी देने वाली एक जो सिस्टम भी बनाया गया था और एक निगरानी करने के लिए भी सिस्टम बनाया गया था। और जो यूसी प्लांट भोपाल में था वहाँ पर गैस लीक को पता करने के लिए ह्यूमन सेंस को यूज़ किया जाता था या फिर वर्कर्स जो हैं वो अंदाजे से बताते थे कि जो गैस है वह लीक हो रही है। वेस्ट वर्जीनिया में इमरजेंसी में लोगों को सेफ प्लेस पर ले जाया जाता था जबकि भोपाल में ऐसा नहीं था। व्हाई आर देयर सच शार्प डिफरेंस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज़ के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में इतना डिफरेंस क्यों था और ये एंड एवन आफ्टर द डिज़ास्टर हैपन्ड व्हाई वाज द कंपनसेशन टू द विक्टिम्स सो लॉन्ग। और ऐसे डिज़ास्टर हो जाने पर, ऐसी दुर्घटना हो जाने पर भी विक्टिम्स को इतना कम कंपनसेशन मुआवजा क्यों मिलता था। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन व्हाट इज परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ इंडियन वर्कर। वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर सिंस देयर इज नो मच
देयर इज सो मच एम्प्लॉयमेंट, देयर आर मैनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशंस इन रिटर्न फॉर आर वेजेस. अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहाँ पर इतना डिफरेंस क्यों है? ये डिज़ास्टर हो जाने पर भी उनको जो विक्टिम्स थे इतना कम कॉम्पनसेशन क्यों मिला था? इस पार्ट का यहाँ पर ये आंसर है कि इंडियन वर्कर्स को ज़्यादा नहीं माना जाता, उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं मानी जाती है. एक वर्कर्स ऐसा माना जाता है कि अगर एक वर्कर चला भी जाए तो उसकी जगह दूसरे को रिप्लेस कर दिया जाएगा, और इसी कारण इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि मैनी वर्कर्स, कई ऐसे वर्कर्स हैं जो कि अनसेफ कंडीशंस में भी कम वेजेस पर वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं. मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स वल्नरेबिलिटी एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस. वर्कर्स की इस कमजोरी का यूज़ करके जो एम्प्लॉयर्स हैं वर्क प्लेस पर सेफ्टी जो मेजरमेंट्स हैं उनको इग्नोर करते हैं. दस इवन सो मैनी ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजडी देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स माइंस और फैक्ट्रीज ड्यू टू द केयरलेस एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर्स. भोपाल जो गैस ट्रेजडी के इतने साल के बाद भी रेगुलर रिपोर्ट्स आती हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, माइंस और फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट की काफ़ी जो रिपोर्ट्स आती हैं, वे इस कारण होता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका जो एटीट्यूड है वह ठीक नहीं होता है, इसलिए ऐसे एक्सीडेंट्स की रेगुलर रिपोर्ट्स आती रहती हैं. आगे हम जो है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.